वेलकम टू एस्पायर अदा। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को, पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा बरवा कंचनजुंगा मकालू बंसारू डोरा गिरी अन्ना पूर्णिमा बद्रीनाथ केदारनाथ त्रिशूरनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली हासले वैली लंबा सिंह अनिंथा गिरी तिरुमल्ला पालगोंडा वालगोंडा श्री सलीम आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप सबका मैं आज के इस जीएस स्पेशल बैच में वेलकम करता हूं। अब हम तसल्ली से चीजों को सीखेंगे। अब हम आगे हैं जनरल स्टडीज स्पेशल बैच। पहले तो मैं आपको इस बैच के फीचर्स बता दूं, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। सुनिए, जब तक आप बच्चों को नोट्स मिलते, अभी आपको नोट्स नहीं मिले हैं, तो जब तक आप बच्चों को नोट्स मिलते सबको, तब तक मैं वो टॉपिक शुरू करूंगा जो आपके नोट्स में नहीं है। अब आपके नोट्स में क्या नहीं है, तो आपके नोट्स में साइंस नहीं डाली। अब साइंस क्यों नहीं डाली, तो सुनो, अभी तक हमने दो एग्जाम के नोट बनाए हैं। एक बनाए हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, और एक बनाए हैं जीएस स्पेशल बैच के। जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें हमने जेएंडके का पूरा जीके डाला, इसमें हमने पूरा का पूरा मैथ डाला, इसमें हमने पूरी इकोनॉमिक्स डाली, और इसमें हमने पूरी साइंस डाली, ए टू जेड। एक एक टॉपिक जो साइंस का था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सिलेबस को सामने रखते हुए सारी साइंस डाली, और इसमें हमने पूरी अकाउंटेंसी डाली विद 750 MCQ। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बीइंग ए टीचर, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है ना, इसका हमने लेक्चर का कोर्स नहीं रखा, यानी कि ये हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, फ्री जो यूट्यूब में चल रहा है वही चल रहा है। दूसरी तरफ हमने जीएस का कोर्स रखा, इसमें हमने आपको इकोनॉमी दी, करंट अफेयर दिया, कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर और करंट अफेयर तो इसमें भी है, कंप्यूटर दिया, करंट अफेयर दिया, ज्योग्राफी दी, हिस्ट्री दी, मगर इसमें हमने आपको साइंस नहीं दी। ठीक है, साइंस नहीं दी इसमें। अगर इसमें साइंस दे सकते हैं तो ऑलमोस्ट वही टॉपिक तो इसमें भी हैं, वो भी दे सकता हूं मैं, बट वो इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर मैं आपको साइंस लिखी हुई दूं तो मैं आपको साइंस लर्न नहीं करा पाऊंगा, सिखा नहीं पाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो तो कोई इश्यू नहीं है, बट साइंस थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए साइंस लिखा हुआ नहीं दिया। अब मैं यहां पे आपको एक बात भी बताने जा रहा हूं, बहुत ही जरूरी। एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे साथ धोखा हुआ है, और 800 रुपये नोट्स के आगे हैं मुझे, और 1000 रुपया पढ़ने का तो बड़ा मुश्किल है। तो जब उसने मेरे से बात की तो मैंने बोला आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर वापस सेंड करो जहां से आपने फी ट्रांसफ़र की है। तो
तो उस बच्चे ने जब वापस अकाउंट सेंड किया तो उसी वक्त पलक झपकते उसके अकाउंट में उसका जो अमाउंट था वो रिफंड कर दिया गया। वो भी खुश और मैं उससे ज्यादा खुश, क्योंकि ऐसे बच्चे का मेरे सर पे कोई इल्जाम ना आ जाए। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि उसके साथ 1000 रुपीस लेके कोई धोखा कर दिया, तो प्लीज अपना अकाउंट नंबर मुझे पर्सनली सेंड कर दो। आपके अकाउंट नंबर सेंड करने के एक मिनट में आपकी फी रिफंड हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल मेरा वादा है, एक मिनट के अंदर फी रिफंड हो जाएगी। और जो बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे कि कोई धोखा नहीं हुआ है, वो भी सुनो एक बात मेरी। जब मैं जम्मू नया आया था तो मैंने एक शूज लिया था 1700 रुपीस का। मेरी जिंदगी का पहली बार इतना महंगा कोई मैंने चीज ली, और शूज 1700 का। वो शूज मैंने हार्डली 2 महीने लगाया और उसके बाद मेरे पाँव को उससे दर्द होने लगा और मैंने वो भाई को दे दिया। और 2012 में मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मुझे पता नहीं होता था दिल्ली का इतना, और मैं वहाँ घूमते घूमते, दिल्ली में संडे मार्केट लगती है, तो मैं संडे मार्केट में चला गया। वहाँ मैंने पहली बार देखी इतनी ज़्यादा किताबें, जितना पूरा जम्मू है ना उतना वहाँ पे किताबों का भंडार लगता है रोड के किनारे पे। मैं खुश हो गया इतनी किताबें देख के, 10 रुपये किलो नावल, 20 रुपये 30 रुपये किलो के हिसाब से। और मैंने वहां देखी अरिहंत की CDS की किताब, बहुत बड़ी और अच्छी किताब, मोटी। जब मैंने उसकी कीमत पूछी तो उस बंदे ने कहा 150 रुपया। कितना? 150। और उसके ऊपर कीमत लिखी हुई थी 750। आप यकीन जानिए मेरी खुशी कितनी थी कि 750 रुपये की किताब 150 रुपये में। मैंने सोचे समझे बिना 150 रुपया दिया और किताब ली। कब की बात है ये? 2012 की। आज मैं कब आपको पढ़ा रहा हूं? 2020 में। अभी भी ये किताब मेरे पास महफूज है और मैं कभी कभार देखता हूं उसमें एग्जाम का लेवल क्या है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। यानी कि किताब पे खर्चा 150 रुपया 8 साल तक मुझे फायदा दे रहा है, और जूते पे खर्चा 1700 रुपया मुझे 2 महीने भी फायदा नहीं दे पाया। बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, किताबें रोड के किनारे पे मिलती हैं फड़ी पे, और जूते शोरूम के अंदर मिलते हैं। आज की दुनिया कहां जा रही है? 1000 रुपीस किताबों पे और ट्यूशन पे कोचिंग पे खर्चने का धोखा लग रहा बच्चे को, और एक बच्चे ने 1600000 रुपया किसी गलत टेलीफोन करने वाले को दे दिया, घर का सब कुछ बेच के, वो जो आते काल के आपने लॉटरी जीती है, 1600000 उसको दे दिया सोचे समझे बिना, और कोचिंग के लिए 1000 महंगा पड़ रहा है। ठीक है, ये इमोशनल बात मुझे फील हुआ जब बच्चे ने ऐसा कहा, और मैंने सोचा काश मैं इसको 4 गुना ज्यादा पैसे वापस करता। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं मजबूरी से टीचर नहीं हूं, आई एम टीचर बाय माय प्रोफेशन। खुशी मिलती मुझे पढ़ा के, और जो बच्चे इस कोर्स में इनरोल हुए हैं उनको भी मैं ये बात बताऊं कि आपने 1000 रुपी फी नहीं पे की है, आपने इतनी फी पे की है, इतनी जीरो में जितने लगाता जा रहा हूं। ठीक है, आप GS स्पेशल में ना ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि आपको फख्र होगा कि ये 1000 रुपये ने आपको इतना फायदा दिया है। चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। सुबह ही मैंने दुआ की सब बच्चों के लिए, और जो जो हो सकता था बींग ए टीचर वो मैंने सब किया। आज हम शुरू करेंगे अपनी साइंस। तो देखिए, पहले एक बार लेक्चर सुनना फिर लिखना। हेडिंग डालिए आप साइंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो साइंस है, कुछ बच्चे मेरे से पढ़े भी हुए हैं उनको दोबारा भी रिवाइज हो जाएगा, और कुछ नए बच्चे हैं उनको भी नई चीजें मिलेंगी, और मैं पुराने वालों को भी नया पढ़ाऊंगा बड़ा कुछ।
जो साइंस है ना, साइंस निकला है एक ग्रीक वर्ड से, वर्ड साइंस निकला है ग्रीक वर्ड से, और कौन से वर्ड से, साइंशिया से, किससे निकला है, साइंशिया से। और साइंशिया का मतलब क्या होता है, साइंशिया का मतलब होता है जानना, साइंशिया का क्या मतलब होता है, जानना, यानी के टू नो। चलो अब प्यारे बच्चों, साइंस का मतलब होता है जानना। दुनिया के जितने भी रिलीजन हैं, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, सारे के सारे रिलीजन पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं। इवन इस्लाम में जब कुरान नाजिल हुआ तो सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहली आयत यही थी, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें वो सिखाया जो तुम जानते नहीं थे। पढ़ने पे फोकस किया गया, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने पे इतना फोकस। और इवन के इस्लाम में यह भी है, ताल्लामल इलम मिनल मुहलियादिल लहद, मां की गोद से लेके कबर तक इलम हासिल करते जाओ। ये जिस रास्ते पे हम सब लोग आज चल रहे हैं, ये बड़ा ही पाक और बड़ा ही नेक और बड़ा ही पवित्र सफर है पढ़ने का, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब देखो, साइंस के बारे में हमें पता चल गया कि भाई साइंस का मतलब होता है पढ़ना, साइंस का मतलब होता है जानना। अब साइंस में हमने पढ़ना क्या क्या है, तो प्यारे बच्चों, साइंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक होती है, पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं, एक होती है जिसको हम बोलते फिजिकल साइंस, और दूसरी होती है जिसको हम बोलते बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, क्लास जो आज की लाइव क्लास होगी शाम को, वो पहले तो मैंने 8 बजे रखी थी, अब कुछ बच्चे बोलते हैं उस वक्त नमाज पढ़ते हैं हम, तो 8:15 में क्लास होगी लाइव। सीधा सारे बच्चे, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक ओपन करना, आप हमारे साथ जूम में कनेक्ट हो जाओगे और सब बच्चे जूम इंस्टॉल कर ले। 8:15 क्लास होगी, ठीक है, शाम को, आज रात को। तो एक होती फिजिकल साइंस, एक होती बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वो वाली साइंस होती है जो डील करती है किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। और बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस होती है जो डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब आगे पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक जिसको हम बोलते फिजिक्स, और दूसरा जिसको हम बोलते केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजिकल साइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता, जिसको हम बोलते बॉटनी, और इसको हम बोलते हम जूलॉजी। ठीक है यहां तक। इतनी चीजों में कोई डाउट है तो बताओ। अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जूलॉजी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बॉटनी पढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताऊं, एसएससी के एग्जाम में जो साइंस होती है ये हार्डली 6 से 7 नंबर की आती है। एसएससी के एग्जाम में मैं जो रेड वाला लिखूंगा वो एसएससी का लिखूंगा, सीजीएल की बात कर रहा हूं, और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन बॉटनी का आता है,
और 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के और 1 से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम की, तो रेलवे एग्जाम में साइंस आती है कम से कम 15 नंबर की, और उन 15 नंबर में से 7 से 8 सवाल या इतने नंबर होते जूलॉजी के, और बाकी इनमें से कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। बाकी जेके एसएसबी के एग्जाम से इसमें से कम कम ही आता है, बहुत कम। और रही बात अकाउंट असिस्टेंट की, तो वहां पे तो साइंस है ही 10 नंबर की है, और उसमें से हार्डली एक आध एसआई यूनिट पूछ लेंगे, एक आध इन्वेंशन एंड डिस्कवरी पूछ लेंगे, ये सारी चीजें। और उन बच्चों को नोट्स हमने दे दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो अब ये थी इनकी मार्क्स की, नंबरों का ब्रेकअप, यानी कि फिजिक्स कितने नंबर की, केमिस्ट्री कितने नंबर की, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको जो मैंने लिखा है। तो अब प्यारे बच्चों चलिए आगे और नेक्स्ट पेज पर लिखिए, हेडिंग डालो फिजिक्स। जिस तरह साइंस निकला है ग्रीक वर्ड साइंशिया से, उसी तरीके से फिजिक्स भी निकला है एक ग्रीक वर्ड फ्यूजेस से। और फ्यूजेस का मतलब क्या होता है, फ्यूजेस का मतलब होता है नेचर, नेचर एंड नेचुरल फिनामिना। अब नेचुरल फिनामिना का मतलब क्या होता है कि जो काम खुद ब खुद हो रहा हो। आखिर कैसे सूरज रोज अपनी रोशनी देता फिर गायब हो जाता, आखिर कैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, आखिर कैसे बादल बनते हैं, ये चीजें हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनामिना में, और ये निकला है फ्यूजेस से। इतनी बातें पता चल गई। अब फिजिक्स के बारे में और फर्दर चीजें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि एग्जाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। इसको मैं अरेज कर, चलो मैं यही लिखता हूं। देखो सारी चीजें कुल मिला के ना मेजरमेंट पर रुकती हैं, नापना चीजों को। तो प्यारे बच्चों फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का यूज कैसे होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, देखो मान लो ये कोई इंसान है और इस इंसान ने ये लगा दी फड़ी, और फड़ी पे ये बेचने लगा कपड़ा, खुला कपड़ा। और ये कोई मोहतरमा है, ये इनके पास जा रहे हैं और ये इनको बोलेंगे भैया ये कपड़ा दो, तो ये इनको कपड़ा देंगे कैसे, ना उस वक्त मीटर है, ना सेंटीमीटर है, ना किलोमीटर है, ना लीटर है, कुछ भी चीजें वजूद में नहीं है। तो ये बंदा इसको कपड़ा कैसे देगा, हाथों के साथ गिठ नापते हैं ना, इतने गिठ हो गया, ये 2 गिठ हो गया है ना, ये आपको पता है ये हाथों से नाम मेजर करते हैं, तो ये बंदा हाथों से कपड़ा मेजर करेगा। तो जब ये बंदा हाथों से कपड़ा मेजर करके देगा, अब ये मेल है ये फीमेल है, इसका हाथ बड़ा होता है इसका हाथ छोटा होता है, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। मगर लोग इससे काम चलाते थे, चल रहा था काम। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 चीजें सुधरने लगी, एक मेजरमेंट का यूनिट आ गया। क्या आ गया, मेजरमेंट का यूनिट। तो कैसे आया ये देखिए, सबसे पहले
दुनिया की ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग, विच कैन बी मेजर्ड, दुनिया की हर वो चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस चीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो किस्म की होती है। एक को बोलते हैं फंडामेंटल और एक को बोलते हैं डिराइव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, गौर से सुनना। एक होता फंडामेंटल, एक होता डिराइव्ड और एक तीसरा भी होता जिसको बोलते सप्लीमेंटरी। ठीक है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंटरी। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है और सप्लीमेंटरी का क्या मतलब होता है? देखिए, सुनते जाइए गौर से, चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बाद में लिखना। फंडामेंटल चीजें वो होती हैं जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड ना हो। जैसे देखो, आप मुझे बताओ व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी कि हमने क्या किया, हमने एरिया को जाना लेंथ और ब्रेड्स की मदद से। लेंथ निकालने का कोई यूनिट नहीं होता, ब्रेड्स निकालने का कोई यूनिट नहीं होता। तो वो वाली क्वांटिटी जो क्या हो, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? जो डिपेंड करते ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं। अभी आप इतना सुनो, और साइंस मैंने आपको इसलिए लिख के नहीं दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब टीचर पढ़ाए उसी वक्त सारा समझ आ जाए। अभी आपको सारा समझ आ जाएगा, जब मुझे तसल्ली होगी तो आपको तसल्ली हो ही जाएगी। सप्लीमेंट्री को अभी रुको थोड़ा। देखो, हमने लिखा डेंसिटी। डेंसिटी को किसकी मदद से हम जानते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या मास फंडामेंटल है? नहीं। क्या वॉल्यूम फंडामेंटल है? नहीं। तो वॉल्यूम को निकालने का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ को निकालने का कोई फार्मूला नहीं, ब्रेड्थ को निकालने का कोई फार्मूला नहीं, हाइट को निकालने का कोई फार्मूला नहीं। तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हाइट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानकारी दूंगा और फिर हम डिराइव्ड यूनिट की जानकारी करेंगे और फिर हम सप्लीमेंट्री यूनिट की जानकारी। इसको करते साफ और आगे लिखो आप फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में अभी हमने क्या क्या पढ़ना है? तो एसएससी के अंडर ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितनी होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आप एक टेबल बना दो और उस टेबल में ऐसे करके लिखो फंडामेंटल क्वांटिटी और एक लाइन बना दो।
फंडामेंटल क्वांटिटी होती है सात, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहां पे लिखना करंट इलेक्ट्रिसिटी, या इसका आप खाली करंट भी लिख सकते हो, सिंपल करंट। और उसके बाद ल्यूमिनस, ये एस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैंने आपको लिखा हुआ नहीं दिया है, उसके पीछे तो बहुत बड़ा राज मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास घर में लूसेंट की बुक हो, अरिहांत की बुक हो, या कोई भी किताब हो जिसमें साइंस मेंशन होती है, तो सबसे पहले पेज में यही लिखा होता है, उसको ओपन करो, वहां से भी हाईलाइट करो। इसी बहाने आपका किताबों से दिल भी लगने लगेगा। फंडामेंटल यूनिट लिख दिया, अब मैं इसके आगे कुछ लिखने वाला हूं और वो यहां पे समझाने वाला हूं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देर आर ऑनली सेवन, एक दो तीन चार पांच छह सात, बस सिर्फ सात फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, सात फंडामेंटल यूनिट हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। पेपर में आता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, देर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक तो ये यूनिट ऐसा क्वेश्चन आता। अब और कैसा आता मैं आपको बताता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जब दुनिया में मेजरमेंट का कोई भी यूनिट नहीं था, दुनिया में मेजरमेंट का यूनिट नहीं था तो क्या था, क्या था? देखिए, इंसान चीजों को कैसे मेजर करता था, मैंने अभी आपको बताया, हाथ से, है ना, जो लेडी आई कपड़ा लेने के लिए, हाथ से। अब हाथ से मेजर जब नहीं किया गया, मैनेजमेंट के को डिसबैलेंस होता था, तो जो मैंने बताई साइंस की सबसे पुरानी ब्रांच जो है मैकेनिक्स, इसमें हर चीज का लेंथ, हर चीज का मास और हर चीज का टाइम पढ़ा जाता था, सिर्फ लेंथ, मास और टाइम, बस। अगर आपने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा डायमेंशन एनालिसिस। इस वक्त ना डेंसिटी हुआ करती थी, ना वॉल्यूम हुआ करता था, ऐसी कोई चीजें नहीं होती थी, लेंथ, मास और टाइम। तो क्या हुआ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट आया मेजरमेंट करने का तरीका, जो तरीका फ्रेंच लोगों ने दिया। किसने दिया? फ्रेंच ने। और इस यूनिट में लेंथ को मेजर किया जाने लगा सेंटीमीटर में, और मास को मेजर किया जाने लगा सिर्फ और सिर्फ ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाने लगा सेकंड में। इस मेजरमेंट के यूनिट को बोला गया CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते इसको? CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। किसने दिया था ये? फ्रेंच ने, फ्रेंच लोगों ने दिया। किसने दिया? फ्रेंच। इसी को मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच लोगों ने दिया और इसको क्या बोलते हैं? मेट्रिक सिस्टम। इतनी बातें पता चल गई आपको? मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करूंगा, मुझे पता है आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो फायदा क्या होगा फिर खाली मेरे बोलने का? लाइव क्लास तभी रखी मैंने डाउट के लिए, क्योंकि पहले आप ये देखोगे उसके बाद डाउट मुझे पूछोगे। मैकेनिक्स जो सबसे पुरानी ब्रांच है, इसमें हम लेंथ को, मास को, टाइम को पढ़ते हैं।
लेंथ को किस में मेजर किया जाने लगा, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ मास, तो ग्राम। व्हाट इज यूनिट ऑफ टाइम इन सीजीएस सिस्टम, तो सेकंड। व्हाट इज यूनिट ऑफ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम, तो क्या है, सेंटीमीटर। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डाइन क्या होता, आपने पढ़ा होगा अर्ग क्या होता, आपने पढ़ा होगा हॉर्स पावर क्या होता, आपने पढ़ा होगा वाट क्या होता, ये चीजें पढ़ी ना आपने। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं, ये मेरा वादा है, आपने पहले साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको साइंस का धुरंधर बना देंगे हम। मगर शर्त यह है, लेक्चर पेंडिंग नहीं रखना और लाइव क्लास स्किप नहीं करना। तो सीजीएस सिस्टम मैंने आपको बताया, मगर देखो सेंटीमीटर तो बहुत छोटा यूनिट होता है, कौन इतना मेजर करने लगे। अब वक्त बदलता गया बदलता गया, तो एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आया, जो सिस्टम दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। किसने दिया, ब्रिटिशर, मेजर करने का सिस्टम। और इस सिस्टम को बोला जाने लगा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस। अब एफपीएस यानी के एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाने लगा फुट में, फुट पांव से, और मास को मेजर किया जाने लगा पौंड में, हम नहीं बोलते इतने पौंड ये धागा है, टाइम को मेजर किया जाने लगा सेकंड में। दिस एफपीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश। और सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम बोलते, मैट्रिक सिस्टम बोलते, और इसको डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, डेसिमल। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ये सब ऊपर वाले का है, ठीक है, यहां तक डेसिमल सिस्टम। तो दो हो गए एफपीएस सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, इसमें भी अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग तरीके से मेजर करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सारे साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस बैठी और एक नया सिस्टम लाया गया जिसको बोला गया एम के एस सिस्टम, यानी के लेंथ को मेजर किया जाने लगा मीटर में, मास को मेजर किया जाने लगा किस में, किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाने लगा किस में, सेकंड में। क्या बोलते हैं इसको, एम के एस सिस्टम। इतनी बातें पता चल गई आपको। तो एम के एस सिस्टम जो है, ये पूरी दुनिया के लोग ऑथेंटिक मानने लगे, इस पे ज्यादा काम होने लगा। तो जब इस पे काम होने लगा तो उसके बाद 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उसकी एक मीटिंग बैठी जनेवा में। कहां बैठी, जनेवा में 1960 में। और इन्होंने बोला, पूरी दुनिया के लोग जब भी किसी चीज को मेजर करेंगे तो एम के एस सिस्टम में मेजर करेंगे, और इसका नाम हम एम के एस नहीं रखेंगे, इसका नाम हम रखेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यानी के एम के एस सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड वाज कॉल्ड एज एसआई यूनिट। यही हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। लाखों हजारों की तादाद में ऐसा यूनिट याद करने पड़ते हैं हमें, ठीक है।
अब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मैंने आपको यह बताया, लेंथ को मेजर करते किस में? फुट में, लेंथ किस में करते? मीटर में। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है क्या? मीटर। मास का यूनिट क्या होता है? तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या होता? सेकंड। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता केल्विन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता मोल। क्या होता? मोल। क्या आपको इतनी बातें पता चल चुकी हैं? एक बार वीडियो को रोको और इतनी बातों को दोबारा से देखो। देखे हो लाइव क्लास में डाउट पूछना। चलो अब मैंने आपको इतनी बातें बता दी, अब जरा थोड़ा आगे भी चलते हैं ना, थोड़ा सारा आगे चलते हैं। देखो लेंथ का यूनिट होता मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है? मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, मास को रिप्रेजेंट तो केजी, सिंबल भी यही। सेकंड को मेजर सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और टाइम को मेजर किया जाता है किससे? टाइम को हो गया वो। टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता के से, खाली सिर्फ के, कई कई कभी कभार इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। एम्पियर को, करंट को नहीं, एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट था कैंडेला, और कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं हम सीडी के साथ। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम एमओएल के साथ। ठीक है यहां तक? क्या आपको इतनी बातें पता चल गई हैं कि नहीं? चली कि नहीं? अब उसके बाद आगे देखिए। तो आगे अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। तो मैं हल्का सा रिवाइज कर दूं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल यूनिट सात होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और एक बात मैं बताऊं प्यारे बच्चों, प्लीज लाइव क्लास मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आप में से अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें पूछें। जैसे मैं आप अभी आपको एक ना एक एग्जांपल देता हूं, जब आप बच्चे लाइव आओगे ना मेरे पास, तो तीन बैचेस हैं, तीन बैचेस की क्लासेस हम अलग अलग लगाएंगे। हो सकता है आप में से कोई बच्चा पूछे कि सर लेंथ को तो फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा आपने, ब्रेड्थ को क्यों नहीं रखा, हाइट को क्यों नहीं रखा? तो जिस बच्चे के जहन में ये सवाल आएगा तो उसको मैं तो जवाब दूंगा, बट जिसके जहन में ये सवाल नहीं आएगा तो उसको भी तो लर्निंग मिलेगी ना। इसलिए लाइव क्लास नहीं स्किप करना, 8:15 का टाइम रखा है डेली रात को। अब मैं ये भी बता देता हूं ब्रेथ और हाइट को क्यों नहीं रखा। देखो मान लो ये हमारे पास कोई बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कोई भी है, ठीक है, ये इसकी होती है लेंथ और ये इसकी होती है ब्रेथ। अगर मैं इसी बोर्ड को ऐसे कर दूं तो जो पहले ब्रेथ थी ना, अब वो हो गई है लेंथ, और जो पहले लेंथ थी वो हो गई है ब्रेथ। यानी के लेंथ और ब्रेथ एक ही होती है, इंटरचेंजिंगली इसको हम यूज कर सकते हैं, और हाइट भी यही होती है। इसलिए आप यहां पे लेंथ लिखो, ब्रेथ लिखो, हाइट लिखो, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है यहां तक? चलिए अभी मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद
हम चलते हैं आगे। पहले हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट और फिर पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैं रेज करता हूँ। खुद नोट बनाना, और हाँ नोट बनाने के लिए मैं आपको यहीं पे बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपकी नोटबुक प्लेन होनी चाहिए, वाइट शीट्स वाली नोटबुक, ऐसे लाइनों वाली नोटबुक नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं फिगर्स बनवाऊंगा तो लाइनों में फिर आपको दिखेगा नहीं, कोई भी बच्चा लाइनों वाली नोटबुक नहीं लेगा, सारे बच्चे वाइट नोटबुक लेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी हमने, अब मैं आपको पढ़ाता हूं सप्लीमेंटरी यूनिट क्या होते हैं। देखो, ओहो एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, इसको मैं रेज करता हूं, मैं आपको बहुत अच्छी चीज पढ़ाना तो भूल गया। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने आपको पढ़ाया लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, करंट होता है, और करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। एक बार मैं फिर से ही मैं लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता, टाइम का यूनिट सेकंड होता, टेम्परेचर का केल्विन होता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला होता, करंट का यूनिट एम्पियर होता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होता। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अब जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है उनको तो पता है, बट जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी उनको पता है भाई मीटर क्या होता है, ये भी पता है किलोमीटर किलोग्राम क्या होता है, ये भी पता है सेकंड क्या होता है, टेम्परेचर का भी चलो दसवीं क्लास में पढ़ा भाई डिग्री सेल्सियस होता, केल्विन होता, फ़ारेनहाइट होता। तो लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को टेम्परेचर बोलते, तो उनके नाम पे केल्विन टेम्परेचर का यूनिट रख दिया। अब जिन बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी तो उनको कैंडेला नहीं पता, जिन बच्चों ने करंट या फिजिक्स नहीं पढ़ी तो उनको एम्पियर नहीं पता, पता है सिर्फ सुना हुआ है, और जिन बच्चों ने साइंस नहीं पढ़ी उनको मोल नहीं पता। तो आपको ये चीजें पता हैं तो मैं वेलकम करता हूं, अगर नहीं पता तो फिर यहां काय आए हो, इसीलिए तो आए हो ना सीखने के लिए। अगर मैं आपको यही बोल दूं कि छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है तो फिर फर्क क्या रह गया, फिर मैं सिखाने वाला थोड़ी हुआ, फिर तो मैं सुनाने वाला हुआ। चलो ये चीजें सिखाते आपको, देखते जाओ। सबसे पहले मैं कैंडेला लूंगा, कैंडेला क्या होता है देखते जाओ प्यारे बच्चों। ये कोई बल्ब है और बल्ब से लाइट आ रही है, और ये कोई बड़ा बल्ब है, बल्ब से भी लाइट आ रही है। मुझे बताओ ज्यादा रोशनी किसकी आएगी, इसकी आएगी या इसकी आएगी? ज्यादा रोशनी किसकी आएगी? हाँ वेरी गुड, इसकी आएगी। सर आपका इसकी कहाँ आएगी? इसकी आएगी। ज्यादा रोशनी इसकी आएगी, इसकी आएगी कम। तो जो ल्यूमिनस का मतलब होता है जलती हुई चीज, लाइट देने वाली, ल्यूमिनस रिलेटेड टू लाइट, जो चीज ज्यादा लाइट दे रही है वो ज्यादा ग्लो कर रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी रोशनी ज्यादा है। आम जबान में क्या बोलते हैं? इसकी रोशनी ज्यादा है। बट फिजिक्स में हम बोलते हैं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। क्या बोलते हैं? इस वाले की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब प्यारे बच्चों यहां पे मैंने एक एरिया बना दी, एक सुराख बना दिया दोनों के सामने, इसकी लेंथ भी एक मीटर है, ब्रेड्थ भी एक मीटर, इसकी लेंथ भी एक मीटर, ब्रेड्थ भी एक मीटर। तो आप मुझे बताओ एक सेकंड में ज्यादा लाइट इस सुराख से पास होगी या इस सुराख से पास होगी, किससे होगी? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है?
आपका कॉमन सेंस ये कहता है ना कि ज़्यादा लाइट यहाँ से पास होगी, क्योंकि लाइट ज़्यादा आ रही है। तो आप सुनो, जब एक यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकंड में जितनी लाइट गुजरती है उस लाइट के अमाउंट को बोलते हैं कैंडेला। उस लाइट के अमाउंट को क्या बोलते? कैंडेला। समझ नहीं आया? मुझे पता है समझ नहीं आया। चलो दूसरी एग्जांपल लेते हैं। आप चले गए दुकान पे और दुकान वाले को बोला, अंकल अंकल एक डजन केले दो। तो वो आपको देगा कितने केले? 15 केले। 15 देगा? अरे आप सोच रहे कि मास्टर सटे आ गया का? 12 केले बोलता नहीं, का 12 का ही नहीं बोलता, 15 बोलता। हाँ, तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। आप मुझे बताओ कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं? एक दर्जन अंडे लिए जाएं तो 12 अंडे मिलते हैं, एक दर्जन कचोरी ली जाए तो 12 कचोरियां मिलती हैं। कौन सी किताब में पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा। बट बचपन से रिवाज चला रहा, मम्मी पापा बोलते, दादी दादा बोलते, पड़ोसी बोलते, सारे बोलते, तो हमारे दिमाग में डजन का कंसेप्ट बैठ गया कि 12 होते हैं। वो सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती प्यारे बच्चों। उसी तरीके से जब एक मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकंड में कितनी लाइट गुजरती है वर्टिकली, उस लाइट के अमाउंट को फिजिक्स में बोलते हैं कैंडेला। क्या बोलते? कैंडेला। तो जितना लाइट का सोर्स कम उतनी इंटेंसिटी कम, जितना लाइट का सोर्स ब्राइटर उतनी इंटेंसिटी क्षमता कशिश तेज, और उसी को फिजिक्स में बोलते कैंडेला। अब आपको कोई बच्चा पूछेगा भैया कैंडेला क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेटा सुनो, एक यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया से जब एक सेकंड में कितनी लाइट गुजरती है उस लाइट के अमाउंट को बोलते कैंडेला। तो अगर इसका मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया जाए तो 2 कैंडेला, और बढ़ा दिया जाए तो 3 कैंडेला। तो कैंडेला लाइट की इंटेंसिटी को या क्षमता को या कशिश को मेजर करने का यूनिट होता है। कैंडेला पता चल गया? अगर आप पता नहीं चला तो लाइव क्लास में फिर से पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। अब रही बात एम्पेयर की, तो एम्पेयर मैं यहां नहीं बताऊंगा। क्यों? देखो, अगर मैं आपको एम्पेयर यहां बताऊंगा ना, तो आपका जहन अभी अभी चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए दिक्कत पैदा करेगा। और अभी अभी 5-7 दिन के बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की धज्जियां उड़ाएंगे हम। हम पढ़ेंगे करंट क्या होता, करंट कैसे बनता, अल्टरनेट करंट क्या होता, डीसी करंट क्या होता, फ्रीक्वेंसी क्या होता, करंट का वोल्टेज क्या होता, करंट की वॉल्यूम कितनी होती, और करंट के टाइप क्या क्या होते, करंट कैसे प्रोड्यूस होता, सारा कुछ पढ़ने वाले करंट के बारे। अब मैं बात करूंगा मोल की, तो मोल यहां बताना जायज बनता है। क्या होता है मोल? देखो, जिस तरीके से एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है? क्या होता? जब किसी सब्सटेंस के अंदर 6.022×10³ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हम बोलते हैं वो 1 मोल है। 12 केलों को बोलते 1 दर्जन, 24 केलों को बोलते 2 दर्जन। दिक्कत नहीं होती ना हमें, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे। तो ये दिक्कत क्यों हो रही मानने में? क्योंकि जहन मानता नहीं अभी, तो धीरे धीरे मानेगा। अवोगैड्रो एक अंकल थे, चाचा अवोगैड्रो, उन्होंने ये नंबर दिया था मोल कंसेप्ट, और उन्होंने बोला था जब किसी चीज के अंदर 6.022×10³ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो उसको हम बोलते 1 मोल। 12 केलों को बोलते 1 दर्जन,
छह केलों को बोलते आधा दर्जन। उसी तरह 6.022 × 10³ नंबर ऑफ एटम्स को बोलते एक मोल। ठीक है यहां तक? अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि इतना समझ आ गया आपको। चलें आगे करते रेस। देखो अब प्यारे बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है? यह कहती है कि इंसान का दिमाग एक घंटे तक किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। तो पोमोडोरो टेक्निक पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट ब्रेक लो, या आप 55 मिनट पढ़ो और 5 मिनट ब्रेक लो, फिर दिमाग ना ताजा हो जाता है। तो आज पहला लेक्चर है। अगर मैं एक घंटे का लेक्चर बनाऊंगा तो आप बच्चे बोर हो जाओगे, अगर मैं 25 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा तो आप तो हमारा सिलेबस नहीं होगा। आखिर करें तो क्या करें, किसकी मां को मासी बोलें। चलो बताते हम, आप क्या किया करो, 55 मिनट लगातार पढ़ा करो और 5 मिनट ब्रेक लिया करो। ये ना हो 55 मिनट पढ़ो और 5 मिनट ब्रेक लेते लेते चढ़ गए बच्चे YouTube पे, और YouTube पे फिर देखा भैया जी घर पे हैं, नहीं भैया जी छत पे हैं, भाभी जी घर पे हैं, और पता नहीं कौन कौन से सीरियल, क्राइम पेट्रोल और फलाना ढिमका, और देखते देखते तो रात के 5 बज गए, और मास्टर मोहतरमा उठ नहीं रहे मोबाइल पे। ऐसा नहीं करना है, फिर हो जाएगा बाजी मार गया बठिंडे वाला गब्बरू, बाकी रह गए हाल पूछ दे। आप खाली हाल चाल पूछते रह जाओगे तो शादी कोई और कर लेगा। इसलिए हमारे लिए नहीं तो उनके लिए, उनके लिए आप सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लो और इन चीज़ों को लिखो। जब 2-4 दिन के बाद आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे तो हम इकोनॉमी भी शुरू करेंगे। तो आज लेक्चर हो गया 50 मिनट का, तो अब हम लाइव सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में Aspire Adda चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stops for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.